हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज का जो सेशन है आपको दिख गया होगा, आज हम लोग बैंकिंग के यानी इकोनॉमिक्स में आपके बैंकिंग के भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आरबीआई को कवर करने वाले हैं, भारतीय रिजर्व बैंक को कवर करने वाले हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का जो संपूर्ण अध्याय है वह एक वीडियो में हम आपके बीच में पेश नहीं कर पाएंगे, एक क्लास में पेश नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज कुछ विशेष इंपॉर्टेंट बातों मतलब टॉपिक पर विशेष चर्चाएं होंगी निश्चित तौर पर। तो देखिए साथियों, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आज मैं आपको वादा के साथ कह सकता हूं कि आप अगर इस टॉपिक में आज साथ मेरे साथ लास्ट तक बने रहें तो आरबीआई से संबंधित जितने भी प्रश्न आज तक बने हैं सब मैं आपको यहां पर डिस्कस करूंगा, और जितने मैक्सिमम प्रश्न बन सकते हैं और यहां पर प्रश्न भी होगा तो आप सबको एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे और हम लोग बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक पर। किस पर बात करेंगे? भारतीय रिजर्व बैंक पर। देखिए साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक पर बात करने से पहले हम आपको यह बताना देना चाहते हैं कि बैंक क्या होता है। क्या बैंक क्या होता है? तो बैंक होता क्या, सभी लोग एक बार कमेंट्स करेंगे जल्दी से कि यार बैंक क्या होता है, व्हाट इज बैंक। देखिए, बैंक एक वित्तीय संस्था है जिससे सामान्य जनमानस अपना वित्तीय संबंध रखते हैं। वित्तीय संबंध रखने का मतलब क्या है? वह अपना पैसा जमा करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर ऋण के माध्यम से और बैंक से अतिरिक्त पैसा भी लेते हैं। यही बैंक का काम है। लेकिन अगर बात करें रिजर्व बैंक की, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को बात करने से पहले, देखिए आरबीआई में हम लोग आरबीआई को पढ़ने से पहले सबसे पहले यह जान लें कि केंद्रीय बैंक क्या होता है। माफ कीजिएगा, आरबीआई को जानने से पहले हम लोग यह सीख लें कि भाई यार केंद्रीय बैंक क्या होता है। क्या होता है केंद्रीय बैंक? चलिए देख लेते हैं केंद्रीय बैंक से संबंधित प्रश्नों को। आइए समझिए क्या होता है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक क्या होता है? तो मुद्दा यह उठता है कि ऐसा बैंक जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता हो, ऐसा बैंक जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करता हो उसको केंद्रीय बैंक कहा जाता है। यानी जो क्या करता हो, संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर, संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर यानी संपूर्ण देश पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करता हो, फाइनेंशियल कंट्रोल क्या करता हो, संपूर्ण देश पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करता हो उसको केंद्रीय बैंक कहा जाता है। और अगर आपकी भारत देश की बात करें तो भारत देश में केंद्रीय बैंक की भूमिका में कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई ही संपूर्ण भारतीय वित्तीय प्रबंधन का देखरेख करता है। तो इसलिए यह हमारे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बैंकिंग में। हां, अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे? तो यहां से क्वेश्चन इस हिसाब से बनते हैं। किस हिसाब से बनते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आपका पहला क्वेश्चन बनेगा कि यार आरबीआई की स्थापना कब हुई। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि किस समिति के सिफारिश पर हुई। क्या? किस समिति के सिफारिश पर हुई। दूसरा, तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि उस समिति का गठन कब किया गया। ठीक है, प्रथम गवर्नर कौन था, वर्तमान गवर्नर क्या है, आरबीआई की स्थापना के समय आरबीआई सरकारी बैंक था या प्राइवेट बैंक था,
अगर प्राइवेट था तो राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आरबीआई का मुख्यालय कहां है? मुंबई है, मुंबई है, तो क्या पहले भी बंबई था? आरबीआई अपना काम कैसे करता है, कितनी ब्रांचेस हैं, मुद्रा कैसे जारी करता है, कौन कौन सी मुद्रा जारी करता है, तो इन सब प्रश्नों का जवाब आपको आज की क्लास में मिलेगा। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए और हम लोग बात करेंगे आरबीआई पर, इस पर भारतीय रिजर्व बैंक पर। आरबीआई पर देखिए, हम लोग आरबीआई में कौन कौन सी चीजों को पढ़ेंगे, मैं अभी पहले आपको बता दे रहा हूं कौन कौन से पॉइंट्स को हम लोग आरबीआई में कवर करने वाले हैं। दो तीन पॉइंट्स पहले इधर लिख लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स। सबसे पहले स्थापना, किस पर बात करेंगे? स्थापना। स्थापना में होंगी दो चीजें, समिति का नाम कि किस समिति की सिफारिश पर हुई, दूसरी कब हुई। ठीक है, तीसरा कैसी बैंक थी, कैसी बैंक थी आरबीआई, कैसी बैंक थी भाई, मतलब सरकारी थी या प्राइवेट थी। प्रथम गवर्नर कौन था, मुख्यालय तो पहले इतने को हम लोग देख लेते हैं। तो आइए हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं, कैसे समझते हैं। तो देखिए साथियों, भारत देश में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना होनी चाहिए, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था, और उस समिति का गठन कब किया गया, 1926 में समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। उस समिति का नाम क्या था, तो उस समिति का नाम था हिल्टन यंग समिति। उस समिति का नाम क्या था, हिल्टन, सॉरी यार नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिल्टन यंग समिति। हिल्टन यंग पुराने रिटायर अधिकारी थे, और इसी समिति को रॉयल समिति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनका पूरा नाम ही था रॉयल हिल्टन। ठीक है, इस समिति का गठन किया जाता है 1926 में, और इस समिति ने 1931 में रिपोर्ट पेश की, और रिपोर्ट में कहा कि हां भारत में कोई केंद्रीय बैंक की स्थापना होनी चाहिए। तो इस समिति ने रिपोर्ट कब दी, अगर पूछ ले, सीक्वेंस भी पूछता है आजकल एग्जाम में खूब, तो इस समिति में रिपोर्ट कब दी, 1931 में दी। तो यहां पर आरबीआई की स्थापना कर दिया गया, कब किया गया, 1 अप्रैल 1935 को। अच्छा ऐसे ही कर दिया गया, नहीं, इसके लिए बाकायदा लंदन में आरबीआई अधिनियम पास किया गया, आरबीआई एक्ट 1934 पास किया गया, और आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना कर दिया गया। कहां पर, कहां पर किया गया आरबीआई की स्थापना, अगर बात किया जाए तो आरबीआई की स्थापना किया गया था कलकत्ता में, लेकिन अब आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता तो है नहीं, मुंबई है, तो कलकत्ता से मुंबई का स्थानांतरण कब किया गया, यह भी क्वेश्चन बना है, तो 1937 में आरबीआई के मुख्यालय को कलकत्ता से मुंबई कब स्थानांतरित किया गया, 1937 में।
आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 किस अधिनियम के तहत आरबीआई एक्ट 1934, समिति का नाम हिल्टन यंग समिति, उसका गठन कब 1926, उसने रिपोर्ट कब दी 1931 में। ये चीजें हो गई। देखिए अब क्या हुआ कि जब आरबीआई की स्थापना किया गया तो आरबीआई एक प्राइवेट बैंक था। आरबीआई कैसी बैंक थी? तो आरबीआई एक प्राइवेट बैंक था, इसीलिए उसका नाम भी था रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। वह एक यूरोपीय, दो चार यूरोपीय कंपनियों को रिजर्व कर दिया गया था और यूरोपीय कंपनियों पर ही आधारित थी। तो फिर क्या हुआ, प्रथम गवर्नर कौन बने? तो श्रीमान ओस्बोर्न स्मिथ। ओस्बोर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर नियुक्त किए गए। कौन? ओस्बोर्न स्मिथ। तो इतनी चीजें आप अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आना चाहिए, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट अपने पास रखें, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो मुद्दा यह उठता है कि सर ये तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर रहे हैं और ये विदेशी गवर्नर हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में तो ये भी पूछेगा ना कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, वो भी बताऊंगा। अच्छा, आरबीआई अगर एक प्राइवेट बैंक था लेकिन अब तो भारत सरकार के अधीन है, तो भारत सरकार के अधीन कब हुआ? तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में उसकी चर्चा करते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप अपने पास रखेंगे। हो गया? तो चलिए, इतनी चीजें हो गई, स्थापना, बैंक, गवर्नर, मुख्यालय। चलिए हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? आरबीआई को पढ़ रहे हैं। अब क्या होगा, पांचवा पॉइंट, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था भैया? प्रथम भारतीय गवर्नर आप लोग कमेंट्स करिए, बहुत सही। सेकेंड पॉइंट, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? नेक्स्ट पॉइंट, आरबीआई का प्रतीक चिन्ह का क्या है, सिंबल जिसको आप लोग कहते हैं। सेकंड पॉइंट, आरबीआई का देखरेख कौन करता है? तो चलिए आइए सबका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। उत्तर मिलेगा, जरूर मिलेगा। देखिए, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर है सीडी देशमुख। नाम क्या? सीडी देशमुख। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में। उस समय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। फंडामेंटल बातें होंगी आज, बहुत ही शानदार। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह एक वृक्ष है, और एक पशु है। चलिए अच्छा बताइए, वृक्ष कौन सा है? एक बार आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा कि आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में कौन सा वृक्ष है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे कि आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में कौन सा वृक्ष है। बहुत सही, बहुत सही। चलिए, किसका वृक्ष है? ताड़ का वृक्ष है, प्राचीनता का द्योतक है। और पशु है गोल्डन टाइगर या बंगाली टाइगर, इसको बोलते हैं
बंगाली बाघ, ठीक है। अच्छा, आरबीआई का संपूर्ण देखरेख कौन करता है? तो आरबीआई का संपूर्ण देखरेख करता है केंद्रीय निदेशक बोर्ड। क्या? केंद्रीय निदेशक बोर्ड। देखिए भैया, केंद्रीय निदेशक बोर्ड में एक होता है गवर्नर और चार होते हैं डिप्टी गवर्नर यानी उप गवर्नर। एक गवर्नर और चार उप गवर्नर। इसकी जो बैठक होती है कितनी बार होती है वर्ष में? 6 बार। लेकिन एक शर्त है, वो शर्त यह है कि प्रत्येक तिमाही में एक बैठक होना अनिवार्य है। प्रत्येक तिमाही में एक बैठक होना अनिवार्य है, कम से कम प्रत्येक तिमाही में एक बैठक तो करना ही करना है। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि आरबीआई का संपूर्ण देखरेख कौन करता है? केंद्रीय निदेशक बोर्ड, एक गवर्नर, चार उप गवर्नर, वर्ष भर में 6 बैठक, प्रत्येक तिमाही में एक बैठक। अभी वर्तमान गवर्नर की अगर बात कर लिया जाए, वर्तमान में कौन से गवर्नर हैं? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, अगर इनका क्रम पूछ ले तो ये हैं 25वें नंबर के। अगर व्यक्ति रूपी पूछ ले, माफ कीजिएगा, शक्तिकांत दास, और चीज बता रहा हूं, माफ कीजिएगा, शक्तिकांत दास यह व्यक्ति के हिसाब से 25वें हैं, ठीक है। और अगर क्रम पूछेगा क्रम के हिसाब से तो ये 27वें नंबर पर हैं, ठीक। ये आपको समझ में आया इतनी चीजें? बोलिए यस और नो। मैंने आज आपके लिए आरबीआई से संबंधित जितनी छोटी छोटी चीजें बन सकती हैं, क्योंकि साथियों गंभीरता से पढ़ोगे, आगे लंबा क्रम जारी रहेगा, तो बहुत बड़ी चीजें मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो एक बार सभी लोग शेयर करेंगे, इतनी बार हो गई। अब देखिए, यहां से अगर एक पॉइंट्स मैं आपको और बताने का प्रयास करूं, पॉइंट नंबर 9, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के एकमात्र ऐसे गवर्नर थे जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। कौन थे? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे? यस, यह आरबीआई के गवर्नर रहने के बाद तब जाकर क्या बने हैं? देश के प्रधानमंत्री बने हैं। 1982 से 85 के आसपास यह आरबीआई के गवर्नर थे। वर्तमान समय में आरबीआई के 11 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, माफ कीजिएगा, आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालय, कितने? 19। 11 उप कार्यालय हैं, और एक मुख्य कार्यालय है। आरबीआई के वर्तमान समय में 19 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 उप कार्यालय और एक हेड या मुख्य कार्यालय है। तो आइए हम लोग इसको पीछे करके थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि आरबीआई की स्थापना किस समिति के आधार पर हुई, उस समिति का गठन कब हुआ था, आरबीआई की स्थापना कब हुई, किस अधिनियम के हिसाब से हुई, प्राइवेट थी सरकारी थी, सारी चीजें। और फिर स्वतंत्रता के बाद 1949 में आरबीआई का क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। ताड़ का वृक्ष होता है और एक बंगाली बाघ होता है, आपने देखा होगा आरबीआई के सिंबल में। चलिए नेक्स्ट,
हम लोग और चीज इसमें देखते हैं, हम लोग पढ़ किसको रहे हैं, तो यहां पर लिख देते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं आरबीआई को। बहुत सही। अभी हम लोग इसके प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम हर श्रृंखला में प्रश्नों को लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, अब मुद्दा यह आता है सर, 12वां पॉइंट है कि आरबीआई का वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर क्या है। आप जल्दी से बताएं, यहां आप लोग गड़बड़ी करेंगे बहुत। तो मैं आपको बताऊं कि आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष पहले होता था वह 1 जुलाई से 30 जून का होता था। पहले भी पूछ सकता है। तो आरबीआई का वित्तीय वर्ष इसको हम दो भागों में देखेंगे, अब और पहले। पहले भी पूछ सकता है। तो आरबीआई का वित्तीय वर्ष पहले होता था 1 जुलाई से 30 जून, लेकिन आरबीआई ने इसमें परिवर्तन करने के लिए फैसला लिया और सरकार के पास एक ज्ञापन भेजा कि हम इसमें अपने फाइनेंशियल ईयर में परिवर्तन करके भारत के ही फाइनेंशियल हिसाब ईयर के हिसाब से चलना चाहते हैं। अब भारत का फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो इस साल ऐसा हुआ कि आरबीआई का वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितने का है? 9 माह का है। कहां से कहां तक है? 1 जुलाई से 31 मार्च तक का है। आगे से अब से 2021-22 से कब हो जाएगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हो जाएगा, जो भारत सरकार का वित्तीय वर्ष है। यह चीज आपने देख लिया। बहुत सही साथियों। अब देखिए, यह तो बात रही आरबीआई के वित्तीय वर्ष की, लेकिन हमारे भारतीय बैंकिंग इतिहास में एक घटना घटती है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। यहां से भी क्वेश्चन आरबीआई से संबंधित पूछ लेता है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण देखिए क्या है, कि भारत में सभी बैंकें प्राइवेट ही हुआ करती थी, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ऐसा विचार किया, देखिए प्राइवेट हैं तो अपने हिसाब से काम करेंगे, तो उन्होंने विचार किया और उन्हीं के ही कार्यकाल में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और अब तक भारत में 2 बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, और दोनों बार प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। एक बार कब हुआ? 1969 में। एक बार कब हुआ? 1980 में। बहुत शानदार चीजें हैं साथियों, एकदम आराम से याद कर लो अभी के अभी। 1969 में क्या हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अच्छा सर, 1969 में 14 ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया? तो उसमें एक बात आई कि जिन बैंकों की पूंजी कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा हो, तो उस समय कितनी बैंकें आई थी? उस कैटेगरी में सिर्फ 14 बैंकें। यहां पर उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? एलके झा जी थे। यहां से भी क्वेश्चन बना है कि जब भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? एलके झा थे।
उन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया गया जिसकी पूंजी 50 करोड़ से ज्यादा थी। दोबारा इंदिरा गांधी जी के ही कार्यकाल में जब इंदिरा जी दोबारा देश की प्रधानमंत्री बनी तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उस 6 बैंकों की कैटेगरी में उतनी ही बैंक आएंगी जिसकी पूंजी कितनी थी, 200 करोड़ से ज्यादा की थी। कितनी थी? 200 करोड़ से ज्यादा थी। इसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ये सब बैंक आई। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो उस समय आरबीआई के गवर्नर थे डॉक्टर आईजी पटेल। क्या थे? आईजी पटेल गवर्नर थे। इसके पहले इन दोनों घटनाओं से पहले आपने देख लिया, अब हम थोड़ा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किया गया। 14 बैंकों का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, जाकर के देखना एग्जाम सेट में। दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। मैंने आपको गवर्नर्स भी बता दिए, मैं आपको सब कुछ बताते चला रहा हूं, बशर्ते आप लोग समर्थन करिए, वीडियो को शेयर करिए, जम करके शेयर करिए अपने दोस्तों तक। देखिए अब क्या है, हम लोग इसमें नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आरबीआई। अभी आरबीआई बहुत लंबा है साथियों, इसलिए हम लोग इसको गहराई में बहुत कम अभी ले जा रहे हैं। अभी हम एक वीडियो आपके बीच में मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति का लाने वाले हैं। मौद्रिक नीति से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब क्या होता है पढ़ेंगे। कभी भी नहीं भूलोगे, मेरी 100% गारंटी है। हुआ क्या, यहां पर दो घटनाएं आती हैं। यह घटना है 1957 की, 1957 में भारत देश के मुद्रा प्रणाली में परिवर्तन किया गया। मुद्रा प्रणाली में परिवर्तन किया गया। मुद्रा प्रणाली में क्या परिवर्तन किया गया, तो ध्यान रखिएगा, 1957 से पहले दो चीजें, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, 1957 से अब तक दो बातें हैं। बात यह उठती है सर, मुद्रा प्रणाली क्या है, मतलब मुद्रा की गिनती का सिस्टम। उस समय कौन सी प्रणाली थी? चौका प्रणाली। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि भारत में चौका प्रणाली कब तक थी। चौका प्रणाली का मतलब है एक आना, चार आना, आठ आना, 12 आना, 16 आना, मतलब चार चार आने में होने वाली वृद्धि, क्या? चौका प्रणाली। ऐसा होता था, आप लोग अपने बुजुर्गों से पूछेंगे, दादा बाबा से, तो बताएंगे। वर्तमान समय में भारत में कौन सी प्रणाली है, तो है दशमिक प्रणाली। मुद्रा की कौन सी प्रणाली है? दशमिक प्रणाली। ये दशमिक प्रणाली क्या है? एक पैसा, 10 पैसा, 100 पैसा, मतलब एक रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 10000 रुपया, 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, मतलब 100 लाख रुपया। तो क्या है ये चीजें, क्या है यह? है दशमिक प्रणाली। और दशमिक प्रणाली को भारत ने कब अपनाया, डायरेक्ट क्वेश्चन है, 1957 में। भारत ने दशमिक प्रणाली को कब अपनाया, 1957 में।
तो चलिए अब हम लोग एक दो पॉइंट्स को थोड़ा सा और डिटेल में ले जाने का प्रयास करते हैं। आरबीआई के कार्य को देख लेंगे, कार्य तो कार्य को हम लोग बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक दो कार्य जो है हमारे लिए हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे। कार्य तो आपको पता है कि आरबीआई संपूर्ण अर्थव्यवस्था में बैंकिंग देखरेख का कार्य करता है। जितने भी प्रकार के बैंकें हैं उनके लिए नियम कानून बनाना, उनको संचालित करने हेतु आदेश देना, नए बैंकों का सृजन करना, बैंकों का आपस में विलय करवाना, यह सब काम किसका है? आरबीआई का है। यानी आरबीआई बैंकिंग गतिविधि का हिस्सा है। संपूर्ण बैंकिंग कार्य करता है आरबीआई। जिस हिसाब से हम लोगों का बैंक वाणिज्यिक बैंक होते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, इलाहाबाद बैंक तो रहा नहीं, इंडियन बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, उसी प्रकार हम लोग इनसे अपना लेन देन करते हैं। और बैंक अपना लेन देन किससे करते हैं? आरबीआई से करते हैं। इसलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। किसको बैंकों का बैंक कहा जाता है? आरबीआई को। सभी राज्य और केंद्र सरकार की भी बैंक आरबीआई है, इसलिए आरबीआई को सरकार का बैंक कहते हैं। सरकार अपना लेन देन किससे करती है? आरबीआई से करती है। आरबीआई सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करती है, सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य करती। एजेंट का मतलब है अगर कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय सम्मेलन होता है तो उसमें भागीदारी कौन करता है? उसमें भागीदारी आरबीआई का गवर्नर या आरबीआई के ही प्रतिनिधि करते हैं। आरबीआई पांचवा पॉइंट होना चाहिए ना, कोई बात नहीं, आप लोग समझते रहे, चीजों को कलेक्ट करते रहे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडारण का भी कार्य करता है। विदेशी मुद्रा भंडारण और आरबीआई के और कार्यों की बात करें तो आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा निर्गमन का कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है? मुद्रा निर्गमन का कार्य करता है। आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करता है। तरलता मतलब मुद्रा का प्रवाह। और इसी को बोलते हैं मुद्रा आपूर्ति। इसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। अच्छा, मुद्रा के प्रवाह और तरलता को। अच्छा, मुद्रा का प्रवाह क्या होता है साथियों? तो देखिए, अर्थव्यवस्था में वर्तमान में जितनी मुद्रा चलन में होती है उसी को मुद्रा का प्रवाह कहते हैं, उसी को मुद्रा आपूर्ति कहते हैं, उसी को मुद्रा की तरलता कहते हैं। मतलब जितनी मुद्रा वर्तमान में एट द टाइम होल मनी ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड लिक्विडिटी। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान में जितनी मुद्रा चलन में होती है वह सब तरलता कहलाती है। अगर हमारी तरलता की बात करें तो हमारे पास जितना मुद्रा है वो हमारी तरलता, अभी तत्काल आपके पास अभी जितना मुद्रा है वो आपकी तरलता, बैंक के पास जितनी मुद्रा अभी है वो बैंक की तरलता, सरकार के पास जितनी मुद्रा है वो सरकार की तरलता, और पूरे अर्थव्यवस्था में जितनी मुद्रा है उसको तरलता कहते हैं।
इसको नियंत्रित कौन करता है? आरबीआई। कैसे नियंत्रित करता है? तो इसके लिए एक नियम है और उस नियम का नाम है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी को कौन संचालित करता है? अभी कहेंगे आरबीआई करता है, करता तो आरबीआई है, लेकिन एक समिति है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी मौद्रिक नीति समिति, मौद्रिक नीति समिति। उस समिति का नाम क्या है? मौद्रिक नीति समिति। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तरलता क्या होता है, इसको कैसे नियंत्रित किया जाता है, कौन नियंत्रित करता है, तो मैंने बता दिया मौद्रिक नीति समिति करता है। हाँ, अब हम लोग इसी आरबीआई वाले पार्ट में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं। हम लोग इसको उठा लेते हैं और यहां से कुछ आगे की जानकारी देख लेते हैं। क्या मुद्रा निर्गमन का कार्य क्या है? चलिए, क्या है आरबीआई के कार्य में, मतलब मुद्रा निर्गमन का मतलब आरबीआई को क्या बोलते हैं? मुद्रा जारी करता, मुद्रा जारी करता। चलिए अब बताइए, आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सी मुद्रा जारी करता है? जल्दी से बताइए कि आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सी मुद्रा जारी करता है, जल्दी से बताइए प्लीज, कमेंट्स तेजी से बताइए कि आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सी मुद्रा जारी करता है। देखिए, याद रखिएगा, जो जो मुद्रा आरबीआई जारी करता है, जो भी मुद्रा आरबीआई जारी करता है, उस पर आरबीआई लिखा होता है, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था में ₹2 से लेकर ₹2000 तक की करेंसी को जारी करता है। किसको? करेंसी जारी करता है। और यहां आपने देखा होगा हस्ताक्षर किसके होते हैं? आरबीआई के गवर्नर की। उस पर क्या लिखा होता है कि मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूं, मैं धारक को ₹500 अदा करने का वचन देता हूं। नीचे शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर होता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नोट की वैधानिकता प्रदान करना। क्या? लीगल टेंडेंसी प्रदान करना। हस्ताक्षर इसको इकोनॉमी के लैंग्वेज में नहीं बोलते हैं, लीगल टेंडेंसी। तो सर, ₹1 की करेंसी कौन जारी करता है? तो भारत सरकार जारी करता है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जारी किया जाता है। उस पर हस्ताक्षर किसका होता है? उस पर हस्ताक्षर होता है फाइनेंशियल सेक्रेटरी का, वित्त सचिव का। अच्छा, ये क्यों जारी करता है? मुद्दा अब ये बात आता है कि सर, सभी करेंसी तो आरबीआई जारी करता है, फिर ₹1 की करेंसी सरकार क्यों जारी करती है? देखिए, पुरानी व्यवस्था है, इसमें बहुत कुछ कहने को नहीं कह पाएंगे, लेकिन हाँ, ये वित्तीय जो आपका राजकोषीय घाटा होता है, ऐसा कहा जाता है कि राजकोषीय घाटे से निपटने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन एक इकोनॉमी के विशेषज्ञ होने के नाते मेरी यह मान्यता है कि उससे बहुत ज्यादा राजकोषीय घाटा सही नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों की मानना है, मान्यता है, तो हम लोगों को मानना पड़ेगा। ये चीजें हुई। अच्छा, अब मुद्दा आता है कि सब जो मुद्रा जारी करता है आरबीआई, उसका कोई नियम है क्या? क्या ऐसे ही मुद्रा बना लेता है जितना मन चाहे उतना? नहीं, उसके लिए एक सिद्धांत है, न्यूनतम कोष प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्या है?
न्यूनतम कोष प्रणाली है, न्यूनतम कोष प्रणाली है। क्या है? न्यूनतम कोष प्रणाली है। तो न्यूनतम कोष के लिए न्यूनतम मुद्रा होनी चाहिए। तो अगर आरबीआई का अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में भारत में मुद्रा का निर्गमन किस हिसाब किताब से होता है, तो आप कहेंगे न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर होता है। तो अभी वर्तमान में है कितना हो, तो है 200 करोड़ का। कितने का? 200 करोड़ का। यह कब से अपनाया गया न्यूनतम कोष प्रणाली? तो न्यूनतम कोष प्रणाली को भी 1957 से ही अपनाया गया है, जब से दार्शनिक प्रणाली भारत देश में अपनाई गई है। अच्छा, तो इसमें पैसा होना चाहिए? नहीं, इसमें कम से कम 110 करोड़ का सोना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गोल्ड होना चाहिए। माफ कीजिएगा, 110 नहीं, 115। करोड़ का क्या होना चाहिए? सोना होना चाहिए। और 85 करोड़ में फॉरेन करेंसी यानी विदेशी मुद्रा और गवर्नमेंट सिक्योरिटी सरकारी प्रतिभूति होनी चाहिए। अगर इससे कम होता है, 200 करोड़ से कम अगर रिजर्व होता है आरबीआई के पास, तब आरबीआई नई मुद्रा को जारी करता है। इससे कम यानी मिनिमम है ना, मैक्सिमम तो बहुत ज्यादा है, 4000 से भी पार है इस समय। तो अगर 200 करोड़ से कम होगा तब आरबीआई मुद्रा जारी करेगा। तो साथियों, आज की क्लास में हमने आरबीआई के बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर ली। कर ली या नहीं कर ली? हाँ कर ली। नहीं तो एक बार पुनः वीडियो को देखिएगा, बहुत मजा आएगा। कम समय में बहुत बड़ी चीज हम लोगों ने आज सीखने का प्रयास किया है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे, अब हम प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर, माफ कीजिएगा, प्रथम भारतीय गवर्नर है? निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर हैं? लक्ष्मीकांत झा, ओसबोर्न स्मिथ, सीडी देशमुख या पीसी महालनोबिस? बहुत सही, अब तो इसका सही जवाब दो। सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर हैं। और जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, आरबीआई का जब राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में, उस समय भी आरबीआई के गवर्नर यही थे। लक्ष्मीकांत झा आरबीआई के गवर्नर थे 1969 में, जब भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए दूसरा प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया? फेरमानी समिति, हिल्टन यंग समिति, राष्ट्रीय आय समिति या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए भैया। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार टॉपिक रहा। हम आगे भी आपको मौद्रिक नीति लेकर के आएंगे, आपको पढ़ाएंगे कि कैसे अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे होती है। तो आप सारी चीजों को लेते रहें। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर हुआ। 1926 में इस समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने 1931 में क्या की थी? अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये बात मैं बता चुका हूं, इसलिए थोड़ा तेज चल रहा हूं। अभी अभी जो जुड़े हैं तो आप लोग शुरू से वीडियो जरूर देख लीजिएगा साथियों, एक बार और शेयर करिएगा, बहुत मजा आने वाला है। चलिए नेक्स्ट, मुंबई से पूर्व आरबीआई का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर था? कोयम्बटूर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता? मुद्दा यह है कि आरबीआई की स्थापना हुई 1935 में, 1937 में आरबीआई का मुख्यालय बना मुंबई, तो 1935 से 37 तक कहां था? कलकत्ता था। बहुत सही। नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ष आरबीआई की स्थापना किया गया? अभी अभी मैंने बताया, 1 अप्रैल 1934, 1 अप्रैल 1926, 1 अप्रैल 1949, 1 अप्रैल 1935। बताइए। तो आरबीआई की स्थापना
1 अप्रैल 1935 को किया गया, कोलकाता में किया गया, आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत कम समय लूंगा भाई, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैंने सब कुछ बता दिया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड में कुल कितने उप गवर्नर होते हैं? 4, 3, 1, 5। तो देखिए, जो आरबीआई का सेंट्रल डायरेक्शन बोर्ड होता है वह आरबीआई का एक पर्यवेक्षक संस्था है, जिसमें एक होता है गवर्नर और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। ठीक है, वर्ष भर में 6 बैठक होती है और प्रत्येक तिमाही में एक बैठक होना अनिवार्य है। तो कुल कितने उप गवर्नर होते हैं? 4। आरबीआई के केंद्रीय निदेशक बोर्ड में कुल कितने उप गवर्नर होते हैं? तो आरबीआई के केंद्रीय निदेशक बोर्ड में कुल 4 उप गवर्नर होते हैं। चलिए नेक्स्ट, भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 1980 में, 1986 में, 1969 में, 1967 में। भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आपको पता है 1969 में किया गया था, उन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जिसकी पूंजी 50 करोड़ से ज्यादा थी, पहली बार। और देश का अगर पीएम बात करें उस समय तो इंदिरा गांधी थी, क्योंकि कभी कभी पीएम का नाम भी पूछ लेता है, तो उस समय देश के पीएम कौन थी? मिसेस गांधी थी। और अगर गवर्नर की बात करें तो लक्ष्मीकांत झा जी उस समय आरबीआई के गवर्नर थे। चलिए, बहुत सटीक चीजें आपको मैं दे रहा हूं। अब 7वें नंबर पर बात करेंगे, भारत का एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिंहा राव और श्रीमती इंदिरा गांधी। तो आरबीआई के गवर्नर बनने के बाद पाजी देश के प्रधानमंत्री बने, उनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 से 2014 तक 2 बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बने। वर्तमान समय में निम्न में से कौन आरबीआई के गवर्नर हैं? रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल या इनमें से कोई नहीं? तो कौन है? शक्तिकांत दास। 25वें, उर्जित पटेल 24वें, रघुराम राजन 23वें। एक क्रम है व्यक्ति का, क्रम संख्या की बात करें तो 27, 26 और 25। चलिए, 1 रुपए की करेंसी पर किसके द्वारा वैधानिकता प्रदान की जाती है? वैधानिकता का मतलब हस्ताक्षर कौन प्रदान करता है 1 रुपए की करेंसी पर, यह आपको बताना होगा कि 1 रुपए की करेंसी पर वैधानिकता कौन प्रदान करता है। तो 1 रुपए की करेंसी पर वैधानिकता प्रदान करता है कौन? वित्त सचिव। आरबीआई का गवर्नर 2 रुपए की करेंसी से लेकर के 2000 रुपए तक की करेंसी पर वैधानिकता यानी हस्ताक्षर करता है। नेक्स्ट, 10 नंबर लीजिए भैया, निम्न में से कब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया? यानी आरबीआई जब स्थापित हुई तो एक प्राइवेट बैंक थी, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया यानी भारत सरकार के अधीन कब किया गया? तो आपको बताना होगा 1949, 50, 52 और 45। तब कब किया गया? 1949 में किया गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रा की कौन सी प्रणाली विकसित है? चौका प्रणाली, दशमिक प्रणाली, आधा प्रणाली या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि भारत में वर्तमान समय में दशमिक प्रणाली है और यह व्यवस्था भारत ने 1957 से अपनाया। और सही आंसर है दशमिक प्रणाली। दशमिक का मतलब जो 10 के गुणज में चले, 1 पैसा, 10 पैसा, 100 पैसा, मतलब 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया,
1,000 रुपया, 10,000 रुपया, 1,00,000 रुपये, इसके हिसाब से जो चले वह दशमिक प्रणाली है। और पहले कौन सी प्रणाली थी 1957 से पहले? चौका, 4 आना, 8 आना, 12 आना, 16 आना। तो बताइएगा 1980 में जब 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उस समय आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर निम्न में से कौन थे? मैंने बताया है आपको कॉन्सेप्ट में, इसलिए आपको पता होना चाहिए। आईजी पटेल, एल के झा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे? आईजी पटेल, एल के झा भी थे, लेकिन कब थे? 1969 में। इनके कार्यकाल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया भैया। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। चलिए नेक्स्ट, 13 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में कौन सा वृक्ष है? यूकेलिप्टस, ताड़, चंदन, शीशम। तो आप कभी चेक करना गूगल पे, तो आप आरबीआई डालोगे तो प्रतीक चिन्ह जरूर आएगा। एक वृक्ष होगा, उसके नीचे एक बाघ होगा, बंगाली बाघ उसको बोलते हैं, वो वृक्ष का नाम है ताड़, और एक हमारा पशु है, उस पशु का नाम क्या है? उस पशु का नाम है बाघ। चलिए नेक्स्ट, भारत में मुद्रा का निर्गमन किस प्रणाली के आधार पर किया जाता है? न्यूनतम कोष प्रणाली, अधिकतम कोष प्रणाली, नगद आरक्षित अनुपात, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा कि भारत में मुद्रा की कौन सी प्रणाली विकसित है? तो कौन सी? न्यूनतम कोष प्रणाली। और वर्तमान समय में न्यूनतम कोष प्रणाली कितने का है? 200 करोड़ का है। इसको कब अपनाया गया? 1957 से अपनाया गया। इसमें से 115 करोड़ का गोल्ड होना अनिवार्य है, आपको मैंने बताया। और 85 करोड़ रुपये में, किसमें? 85 करोड़ में क्या क्या होना चाहिए? 85 करोड़ में होना चाहिए फॉरेन करेंसी प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रा के निर्गमन की प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली कब अपनाई गई? अब भी बताया, कब? 1957 में। ठीक है, चलिए, आरबीआई के मुख्यालय को कोलकाता से मुंबई कब स्थानांतरित किया गया? 1939, 1937, 1949 या 1950? प्लीज आंसर बताएं, जल्दी से बताएं कि आरबीआई के मुख्यालय को कलकत्ता से मुंबई कब स्थानांतरित किया गया। तो आपको जवाब होगा कि सर 1937 में किया गया, क्योंकि आपने बताया था। अभी बड़े सस्ते लग रहे होंगे ना, सस्ते लगेंगे, सस्ते लगेंगे, क्यों लगेंगे पता है? क्योंकि अभी अभी पढ़े हो, नहीं पढ़े रहते हो तो गलत लगता है। कि निम्नलिखित में से क्या आरबीआई का कार्य नहीं है? बैंकर्स के रूप में, सरकार के एजेंट एवं सलाहकार के रूप में, शाख सृजन करना, शाख नियंत्रण करना। देखिए, शाख सृजन का काम जो है वह कॉमर्शियल बैंक का है, आरबीआई का नहीं है। तो क्या पूछा है, कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? तो शाख सृजित करना आरबीआई का कार्य नहीं है। शाख का मतलब होता है वित्त, वित्त की व्यवस्था हमारे लिए कौन करता है? हमारे बैंक करते हैं, इसलिए शाख सृजित करना, क्रेडिट रेटिंग का वर्क जो है वह बैंकों का है, आरबीआई का नहीं है। बट क्रेडिट कंट्रोल का कार्य आरबीआई का जरूर है। आरबीआई के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की वर्ष भर में कितनी बैठकें आयोजित की जाती है? एकदम हलवा है भैया, ये तो हलवा है। आरबीआई के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की वर्ष भर में 6 बैठकें आयोजित की जाती हैं। कितनी? 6 बैठकें आयोजित की जाती हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित करता है? बताइए, मुद्रा के प्रवाह, अच्छा प्रभाव हो गया, मुद्रा के प्रवाह होना चाहिए यहां पे, मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है भैया? भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित भारत सरकार और आरबीआई दोनों करते हैं। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में। वर्तमान समय में भारत में, देखिए क्वेश्चन मैंने ऐसे ही डाल दिया है आपको, ताकि आपको एक क्वेश्चन तैयार हो जाए, अगर आप भविष्य में एग्जाम देने वाले हैं
तो NTPC का भी ऐसा डेटा आ चुका है, तो आप लोग तैयार हो जाइए कि वर्तमान समय में भारत में सार्वजनिक बैंकों की कुल संख्या कितनी है, 18 है, 20 है, 12 है या 8 है। तो आपने देखा बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हुआ है, विलय बहुत ज्यादा हुआ है, तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज्यादा है। तो वर्तमान समय में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है, 12 है। नेक्स्ट, खत्म। अब हम लोग बात करेंगे अगले सेशन में रोमांचक तरीके से, बेस्ट क्लास लेकर आपके बीच में उपस्थित होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का लाड प्यार दुलार लगातार बना रहेगा और वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए और कमेंट्स जरूर करिए। बात करेंगे अगले सेशन में, ठीक है? थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।